और किचन के काम जो है ना गृहिणी के लिए कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर पता हो ना तो हमारा काम कितना इजी होता है, साथ में बचत भी होती है, हमारा काम भी इजी हो जाता है। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लाएं जो दोस्तों जिससे कि आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, अच्छा लगे एक लाइक भी कीजिएगा। वो इस तरीके से देखिए छन्नी से रिलेटेड अक्सर क्या होता है, इसलिए छन्नी से होते हैं ना, हम लोग दूध वगैरह लाते हैं ना मार्केट से या फिर खरीद के, तो जो छान के हम लोग यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो छोटे छन्नी होते हैं ना, ये इस तरीके से जो है आप कहीं अटका नहीं सकते, ये गिर जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमें जो है एक हाथ इस तरीके से पकड़ना पड़ता है और दूसरे हाथ से इसे ढालना पड़ता है ना पड़े। इसके लिए क्या करें दोस्तों, छोटी सी स्टिक करनी, कोई भी एक जो है ना आप बर्तन आप ले लीजिए, कोई भी एक स्टिक ले लीजिए, इस तरीके से आप इस पर अटका दीजिए। देखिए आपको जो है दोनों हाथ अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे से जो है आप इसमें दूध डाल सकते हो दोनों हाथों का यूज करके, जो बिल्कुल भी गिरेगी नहीं और आपका काम भी हो जाएगा, है ना। एक कमाल का आइडिया, जरूर ट्राई कीजिएगा, कैसा लगा आइडिया हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरी अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स वो है इस तरीके से, जो देखिए बर्तन होते हैं ना हमारे पास टूल्स होते हैं, ये सारे छोटे छोटे टूल्स होते हैं, अगर आप इसे एक जगह अरेंज करके नहीं रखो ना तो इधर उधर फैले रहते हैं। इसे टांगने के लिए दोस्तों इसमें होल दिया हुआ रहता है ना, ये देखिए इसमें होल रहता है। लेकिन हमारे पास जो स्टैंड होते हैं या फिर जो चीज़ें होती है रखने की, अगर आप एक रखने जाते हो तो सिर्फ एक ही रख सकते हो, ज़्यादा उसमें अटेगी नहीं। कुछ कुछ तो देखिए जैसे इसमें तो इतना ज़्यादा छोटा होल है कि जो है हैंगर में आएगा नहीं। चलिए देखिए दोस्तों अगर आप इसे इस तरीके से रखते हो ना तो इसके जो है ना इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि अगर आप एक रख दो तो दोबारा फिर दूसरा जो है इसमें आएगा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। और ये जो इस तरीके के जो टूल्स होते हैं ना ये तो बिल्कुल भी आते नहीं हैं, ये भी दिक्कत होती है। ये देखिए इस तरीके से आपको खड़े खड़े इस तरीके से फैले हुए नजर आएंगे। अब एक डाल दिया हमने, अब ये दूसरा भी नहीं आ सकेगा इसमें। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, बहुत ही इजी सा तरीका है कि जो बर्तन होते हैं हमारे पास टूल्स होते हैं, इसे आप एक साथ बहुत सारे जो है ना अरेंज करके रख सकते हो। कैसे, यहाँ पे दोस्तों यहाँ ये जो होते हैं ना हमारे पास ये जो कपड़ों के जो टैग मिलते हैं ना हमें नए कपड़ों के साथ, जो टैग को क्या करते हैं हम लोग ऐसे ही काट करके फेंक देते हैं, लेकिन आप आज के बाद बिल्कुल मत फेंकिएगा, बहुत ही काम की होती है ये टैग्स जो होते हैं। देखिए मेरे पास जितने भी कपड़े आते हैं ना मैं सबके टैग्स को रखे रहती हूँ। ऐसे खोलने का तरीका देखिए दोस्तों, ये देखिए एक तरफ जो है पूरा फिक्स रहता है, एक तरफ जो है टेम्परली रहता है, आपको इस तरीके से थोड़ा सा पकड़ के खींचना है, बहुत ही अच्छे से खुल जाती है। अब जो है यहाँ पे एक गांठ लगी हुई है तो इसको भी आप खोल लीजिए। चलिए दोस्तों अब इसका यूज कैसे करना, देखिए जैसे कि इसके होल छोटे हैं, अब कहीं भी हैंग करेंगे तो एक एक से ज़्यादा उसमें आएगा नहीं, तो इस तरीके से इसमें आप फिक्स कर दीजिए। इससे अच्छा तरीका आपके साथ हो ही नहीं सकता, अगर आप रस्सी भी बांधते हो ना तो सड़ सकती है, गल सकती है, गांठ भी खुल सकती है। लेकिन आप इस तरीके से कर ले तो लेते हो ना तो ये देखिए बिल्कुल भी खुलती नहीं है। अब जो आप टांगोगे ना एक साथ कितने सारे बर्तन टांग सकोगे, छोटे होल हैं उसमें भी अच्छे से आप इस तरीके से लगा दीजिए और आपका काम हो जाएगा। देखिए मैं ऑलरेडी इस तरीके से करके रखी हूँ काफ़ी दिनों से, बहुत ही काम आता है मुझे, बहुत सारे बर्तन जो एक साथ में हैंग करके एक ही हैंगर में बहुत सारे बर्तनों को आप रख सकते हो, है ना। एक कमाल का आइडिया, जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड एक ही में मैंने देखिए एक ही होल में देखिए कितने सारे जो है ना मैंने इस तरीके से करके रखे हैं। अगर आप एक नहीं करोगे ना तो सिर्फ एक बर्तन ही आता है इस तरीके के हैंगर में, तो आप होप करती हूँ ट्रिक आप लोग को पसंद आया हो। तो अब ये बच गया टैग का हिस्सा, अब इसको जो है ना इसे भी बिल्कुल फेंकने की गलती मत कीजिएगा, इसका भी यूज बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। पहला यूज तो दोस्तों क्या कर सकते हो आप, एज ए बुक मार्क यूज कर सकते हो, जैसे कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या फिर डायरी वगैरह लिखते हैं ना तो भूल जाते हैं कि कहाँ, भूल नहीं जाते मतलब कि कोई कुछ लोग जो है ना बुक मोड़ के इस तरीके से आप अपने पहचान करते हैं कि कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की है, तो इससे बुक जो है ना हमारा ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरीके टैग का यूज़ कर सकते हो, ये देखिए ना ही ये टूटती है, बहुत ही हार्ड वाली होती है, नरम नहीं होती है और बहुत ही अच्छे से ये आपको काम करती है। तो आप इस तरीके से एज अ बुक मार्क भी इसका यूज कर सकते हो, है ना कमाल के आइडिए। दोस्तों मेरी आज की अगली टिप्स है फ्रेंड्स वो है इस तरीके से कंघी से रिलेटेड, अक्सर क्या होता है दोस्तों इस तरीके जो कंघी जो है ना हम लोग घर कंघी के यूज तो जो ना हर घर में पुराने हो जाते हैं ना तो कंघी हम लोग फेंक देते हैं, जैसे कि ये देखिए इस तरीके से जो थोड़े से ब्रिसल खराब हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं ज़्यादा, तो हम लोग कंघी चेंज कर लेते हैं, इसे पुराने वाले को फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों आज के बाद जो है बिल्कुल भी कंघी को फेंकिएगा नहीं, पुराने कंघी भी बहुत सारे चीज़ों से यूज कर सकते हो। आज मैं आपको इसी से जो बहुत अच्छे से आपको आपके घर को क्लीन करके दिखाती हूँ, जो कि आपका पहले ने सोचा होगा ना देखा,
चलिए इसका यूज कैसे करना है दोस्तों। देखिए जब बेड पे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं ना स्टडी वगैरह, तो बच्चे ही होते हैं, इस तरीके से शार्पनर वगैरह छीलते हैं ना, इस तरीके से कचरे करते हैं बेड पे। अब इसे आप छाड़ने जाते हो ना तो आपका हाथ तो गंदा होती है, साथ में अच्छे से साफ भी नहीं होता, तो वही ट्रिक करना दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके की जो कंघी होता है ना डंटी वाला, आप इसका यूज कर लीजिए। इससे जो है इसमें इस तरीके से सॉक्स में डाल देना है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से डालने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको जितने भी लग रहे हैं ना बहुत ही अच्छे से आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हो, साथ ही सारे डस्ट भी झड़ जाएंगे और सारे साफ भी हो। ये आप खुद ही देख सकते हो कितनी अच्छे से जो है इसकी क्लीनिंग हो रही है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये हो जाती है और आपको हाथ भी लगाना नहीं पड़ता, अब पूरी अच्छे से जो है डीप क्लीनिंग की तरह ये साफ हो जाता है। अब जो है ना इसी चीज़ से जो आप अपने बेड को अच्छे से झाड़ दीजिए, जितने भी धूल मिट्टी होंगे ना बेड पे वो सारे बहुत ही अच्छे से साफ हो जाते हैं। ये देखिए कितने भी कचरे लग रहे हैं कि गंदा है बेड, रात में सोने जा रहे हैं, इस तरीके से कंघी से झाड़ लीजिए, आपका बेड पूरी तरीके से जो है क्लीन हो जाएगा और बेड शीट हटा करके झाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप करती हूँ ये ट्रिक भी आप लोग को पसंद आया होगा। दोस्तों क्या होता है, हम लोग जब किचन स्लैब पे खाना बनाते हैं ना तो इसकी जो सारी सफाई तो हम लोग डेली कर लेते हैं, लेकिन इसके जो इस्त्री के जो पार्ट होते हैं, जी लाइनिंग वाले पार्ट होते हैं, दीवार के कोने वाले पार्ट होते हैं, इसमें क्या होता है धीरे धीरे जो जाके गंदगी जो है जमने लगती है। खासकर जहाँ पर हम लोग रोटियाँ वगैरह बनाते हैं ना उसके पाइथन जो उड़ते हैं वो सारे छोटे छोटे कण जो इतने जाके जम जाते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं। अब इसकी सफाई आप लोग ध्यान नहीं देते और ये गंदे होते जाते हैं। यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड्स, इस तरीके से पुराने कंघी को लेना और एक सॉक्स ले लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी तरीके से इसे कवर कर लेना। अब जो हमने इस तरीके से किया है ना, अब देखिए हमें इसकी सफाई करनी है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले गीला कर दे रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये जो हमने सॉक्स पहनाया है कंघी को, इसे भी हम लोग थोड़ा सा गीला कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए हमने कंघी को गीला कर लिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमें जो है ना हार्पिक ले लेना है इस तरीके से हमें कंघी के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से जो है हमें पूरे कंघी पे फैला लेनी है धीरे धीरे। अभी जो हमने डाला है दोस्तों, अब क्या करना है, इस कंघी के हेल्प से जो है ना हमें बिना हाथ लगाए जो हमारे घर की जितनी भी गंदगी वगैरह है ना जमी हुई मैल, बहुत ही अच्छे से कोनों की सफाई आप कर सकते हो। ये देखिए कितने अच्छे से ये अभी जो काले थे वो कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। ये देखिए ये जो जिद्दी से जिद्दी मैल जो होते हैं ना नहीं छूटते हैं ना, आप इस तरीके से जो अपने घर के कोनों कोनों की जो है ना ये जो दीवार जो टाइल्स होते हैं, ये देखिए टाइल्स के जो ज्वाइंट होते हैं ना यहाँ पे भी गंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जम जाती है। इस तरीके की जो कोने होते हैं यहाँ पे जम जाते हैं और हम लोग जो है इस तरीके से ध्यान ही नहीं पाते, क्योंकि इससे आप किसी और चीज़ से साफ़ कर ही नहीं सकते हो, और ये कंघी के इस हेल्प से बहुत ही अच्छे से आप क्लीन कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से देखिए, है ना ये कमाल के आड़िए। इसी तरीके से दोस्तों आप जो है ना बाथरूम के जो कोने होते हैं उसकी भी सफाई आप कंघी की हेल्प से बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, और आपको हाथ भी लगाने नहीं पड़ेगी और आपका जो बाथरूम है वो भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जितने भी टाइल्स के जॉइंट होते हैं ना वो सारे जो है इसी तरीके से काले पड़े होते हैं, गंदे होते हैं, उन सब की सफाई आप इस तरीके से कर सकते हो। ये जो सॉक्स में देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी आ चुकी है, अब जो है इसे आप निकाल करके अच्छे से कपड़े से पोंछ दीजिए, हमारा जो है टॉयलेट